और मेरा जो धनुष है और जो सिर है उसको निकालो, थोड़ा सा हम आपके पैर में जो पत्ता है उसको निशान लगा सकते हैं। बोले भगवान जी, बोले ये तो बहुत चालाक है, मेरे को मारने के लिए चला है, पैर नहीं होगा, हाथ नहीं होगा। भगवान को बोले थे मेरा आधा काम रह जाएगा, मैं 15 दिन का टाइम लेता हूँ, 15 दिन के बाद आपको बोलना। ये गुंडीचा राजी ने 8वें दिन बोल दिया था। भगवान जी बोले ये तो बहुत चालाक है, मेरे को मारने के लिए चला है। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल फिर से रात को। भाई आज का तो दिन बहुत ही लंबा हो गया और पंडित जी ने अपने वो बुलाया, तो पूरी हिस्ट्री बताएंगे वो क्या है क्या नहीं है। तो अभी चलते हैं भाई जगन्नाथ टेम्पल और रात को दिखाता हूँ माहौल। यहाँ पे रबड़ी वबड़ी बहुत फेमस है, वो भी खाते हैं। इन रोडों पे भाई ना कोई सर्कल है, ना कोई रेड लाइट है, ना कुछ है, ना ट्रैफिक वाले है, ना कोई हेलमेट लगाता, कोई लेडीज बीचों बीच चल रही थी। ये देखो ये बीचों बीच चल रहा है, ये उल्टा आ रहा है ससुरा, अलग ही सीन है। मतलब ये बहुत ही छोटा कस्बा है, देखा जाए तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये ये कम है। हाँ 30 क्या 50 से ज्यादा ही मान लो। और दूसरा ये फेस्टिवल है ना, इस चक्कर में है, इतनी भीड़ तो ये सन्नाटा है पूरा। छेना बट्टा खा रहे हैं, ये यहाँ की फेमस मिठाइयां हैं। देखो ये यहाँ की मिठाइयां हैं सारी, ठीक है। तो अपन छेना बट्टा ट्राई करो, ट्राई तो करो, भाई ने सजेस्ट करी है मेरे भाई है छेना बट्टा। मिठाई सॉफ्ट है ना, इसलिए ज्यादा ताकतवर की जरूरत नहीं। अरे भैया यहाँ हाथ का उपयोग होता है, दिल्ली ना है। कैसी है, कैसी लगी? बढ़िया। लेखा मतलब उसको कह दो कि रसमलाई को थोड़ी हार्ड कर दो, ऐसी हो जाएगी है ना, मिल्क केक बिगा दो। अब गाइस अब मैंने लिया रबड़ी, रबड़ी टेस्ट करना मेरी रबड़ी कैसी है। बढ़िया है, मेरे को नहीं अच्छी लगी। गरम है? हाँ भाई तुम्हारी कसम, इससे 10 गुना बढ़िया रबड़ी वहाँ मिलती है वृंदावन में, मथुरा में। मैं मानने की बात नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना इस बार टेस्ट करता हूँ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हर एक जगह का टेस्ट लेना चाहिए। अब क्या फायदा आके चले गए, तुमने यहाँ की ना मिठाई खाई ना कुछ खाया है कि नहीं भाई, जहाँ भी जाओ खा पी के आओ, है कि नहीं। तो हाँ बेसिकली बहुत पतली सी है यार और गर्म है ना बहुत। भाई ये देखो ये आ गए मंदिर अपन, और भाई रात को कितने भक्त आ रखे हैं। बट अपन जा रहे हैं दक्षिण द्वार, पंडित जी ने अपने को वहाँ बुलाया। भाई अभी दक्षिण द्वार में आ गए हैं, ये है दक्षिण द्वार, और भाई कितना अच्छा लग रहा है मंदिर है ना, अम्मी आज अंदर चलते हैं। तो भाई ये देखो ये मंदिर का झंडा है ना भाई, हवा के अपोजिट डायरेक्शन घूमता है, बहुत फेमस है। और इसके ऊपर से ना कोई फ्लाइट जाती है, ना कोई जाते क्या कहते हैं पक्षी वो सब जाते हैं भाई। ये बड़ी वो चीज है भाई, मान्यता देख रही हो कितनी तकड़ी है। सो गाइस अभी हमारे साथ हैं जो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी जी हैं, मंत जी हैं, और ये अच्छा गाइड भी करते हैं वहाँ पे। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिद्धांत। तो कब से इस जगन्नाथ टेंपल में हो? 7 साल से। 7 साल से है। और आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरा 23 है। बहुत छोटे है। वैसे आप हो कहाँ से? पूरी से ही हो। तो मतलब इसके क्या शिक्षा विक्षा लेनी पड़ती है, स्कूल होता है क्या होता है? नहीं नहीं इसमें शिक्षा विक्षा नहीं लेना पड़ता है, इसमें बस आपको हमारे जो गाइड होते हैं, जैसे आप आए जैसे आपने दर्शन किया, और कोई हमारे जो पंडित होते हैं, हमारे एक मेन पंडित होते हैं वो विद्यापति जी हैं, नवकेसर विद्यापति जी। अच्छा अच्छा। उनके पास हम रहते हैं, साथ साथ हम काम कर चुके हैं उनके साथ, तो ये चल रहा है मामला। अब मेरे को आप बताओ कि देखो मैंने ना यहाँ की जगन्नाथपुरी की 2-3 स्टोरी सुनी है, और दोनों अलग अलग है। कोई कहता है कि मतलब जो डाली पे किशन जी का दिल धड़कता हुआ आया था, फिर उस लकड़ी गई मूर्तियां बनाई है, क्या सही बात है? इसका स्टोरी एक अलग स्टोरी है। ये जो भी बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, हम जो बताएंगे डायरेक्ट बताएंगे आपको। तो जगन्नाथ पूरी की स्टोरी बताओ, मतलब पूरी का स्टोरी है, एक स्टोरी है जगन्नाथ जो भी भगवान जी महाभारत में घटस्कच है, मंदिर में जो घटस्कच है, जो सिर कटा हुआ है भगवान जी का, सिर काट लिए थे महाभारत में, बोले थे मैं इतना युद्ध खत्म कर लूंगा एक मिनट में, उनका उनका उनसे ही कृष्ण भगवान का लिंग है। और भगवान जी ने पत्ता को लिया था, बोला पत्ता को निशान करो, भगवान के नीचे में पेड़ में पत्ता था एक। अच्छा। उसको निशान करके बोले भगवान जी आपके पेड़ में एक पत्ता है, उनका भगवान का जैसे पत्ता जब भगवान पेड़ से हटाए, पत्ता को हटाए, बोले भगवान जी आपके नीचे एक पत्ता है, मेरा जो धनुष है और जो सिर है उसको निकालो, थोड़ा सा हम आपके पैर में जो पत्ता है उसको निशान लगा सकते हैं। बोले भगवान जी बोले ये तो बहुत चालाक है, मेरे को मारने के लिए चला है। और भगवान ने उनको एक वरदान दिया था, और कलयुग में हम तो मरेंगे तो द्वारिका में मरेंगे, इस पैर में हमारा मृत्यु घटेगा, मतलब जिसके अंदर अभी के टाइम में आप तिल को मार लो मर जाएगा, कोई गले को मार लो मर जाएगा, भगवान का मृत्यु ही वहाँ पे था पैर के नीचे। उस टाइम में भगवान ने बोला था महाभारत में, और गांधारी ने साफ दिया था भगवान कृष्ण भगवान जी को, मेरे सहपुत्र को आपने मार दिया है छल कपट से, और आप भी एक दिन आप सियाली लटा, जो सियाली लटा होता है एक पेड़ होता है सियाली लटा पेड़, आप उसमें सोते रहोगे, आपको जरा सा एक आएगा वो आपको मारेगा, तीर मारेगा। और ये तीर कैसे निकला? भीम को मतलब ये भगवान जी जानते थे ये इसमें मेरा मुक्ति। कौन से भगवान जी? कृष्ण जी। कृष्ण जी जानते थे।
और वो मछली को एक लोहा मतलब एक लोहा मछली खा गया था। अच्छा अच्छा। वो मछली से काटने वाला जो काटा ये बोला ये लोहा क्या होगा मेरा तो मछली चाहिए मेरे को खाने के लिए, लोहा वाला क्या होगा। इसलिए उनको जो कारीगर होता है लोहा का कारीगर जो होते उनके पास लेके चले गए और उनको बोले ठीक है ये मेरे को दे दो। ये बोले मेरा काम नहीं। इसके बाद भगवान जी विष्णु जी ने भीम को दिया था, बोलता इसको घिस घिस के पहले से बता रहा हूँ घिस घिस के इसको खत्म कर दो। भीम ने बोला इतना ताकतवर भीम है उसको दिए थे घिसने के लिए, ये भगवान घिसे भीम जी घिसे खत्म नहीं हो रहा था पत्थर वाला, वो लोहा वाला खत्म नहीं होता। और लोहा को भगवान मतलब भीम जी ने पानी में डाल दिया था। अच्छा। कटक लिया था मतलब मछली जो होता है और मछली आपने कटक लिया था वो मछली को पाए जो मछुआरा होता है वो मछुआरा पाए और मछुआरा पाने के बाद उसको तीर बनाया वो तीर को जरा सा लेके भगवान की विष्णु के पेट में मारा। अच्छा 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 कुछ चीज है। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे भगवान जी तो उनका मृत्यु हो गया और उसके बाद क्या हुआ ना भगवान जी जब मृत्यु ग्रहण किए और उनके बहुत बड़े भक्त जो थे उनका हम बोलते हैं दैत्यापति जी एक सेवक है पुजारी है उनका इस महीने में काम होता है और दैत्यापति जी को भगवान जी को देखने के लिए बुलाया थे। एक नील माधव के रूप में उनका नील माधव का एक ग्रुप था उधर पे। नील माधव क्या हुआ था ना नील माधव को पूजा करते थे दैत्यापति और दैत्यापति जो पूजा करते थे और ये राजा का सपना आदि सा आया। राजा को बोले थे ये जो लकड़ी मेरे को बनाना है मेरे को मूर्ति बनाओ मैं यहाँ से नहीं रह पा रहा हूँ। राजा ने बहुत लोग को भेजा ढूंढने के लिए सब नाराज होकर फिर के आए भगवान को ढूंढ नहीं पाए नील माधव को ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद क्या हुआ ना विद्यापति जी एक ब्राह्मण उनको भेजा बुक ढूंढने के लिए। अच्छा। बोले भगवान को आप ढूंढ के लाओ। विद्यापति जी बोले हाँ भगवान किधर पे है नील इतना बड़ा गांव है इतना बड़ा शहर है हम किधर पे ढूंढेंगे भगवान नील माधव को किधर पे ढूंढेंगे किधर पे। सही बात है। और ये नील माधव एक पहाड़ था अभी के टाइम वो जटनी स्टेशन जो होता है खोर्दा होता है खोर्दा। अच्छा अच्छा। खोर्दा स्टेशन में वो थोड़ा सा आगे 20-30 किलोमीटर में एक नील माधव का मंदिर। अच्छा अच्छा। वो कंटीलो बोला जाता है उस जगह में भगवान का नील माधव का छवि कोई नहीं देख पाया था ओनली फॉर विद्यापति जी और दैत्यापति जी देखे और भगवान जी विद्यापति जी जब गए बोले भगवान जी आप कितने बड़े सुंदर हो। उसके बाद वो भगवान जी वहाँ से नील माधव गायब हो गए। अच्छा। और राजा ने चिंता हो गया राजा जी को। विद्यापति जी जब आए राजा के पास बोले हाँ भगवान को हम देखे ना पर मेरे को दिखाने के लिए चलो भगवान जी राजा को लेके गए थे विद्यापति जी उस टाइम में भगवान नहीं थे गायब हो गए थे क्योंकि दैत्यापति जी को बोले थे तुम मेरे को मेरा छवि किसी को दिखाओगे तो मैं उस दिन से गायब हो जाऊँ भगवान जी ने बोला। अच्छा अच्छा। और उन्होंने दिखा दिया उसके बाद वो गायब हो गए। समझ गया। वो गायब होने के बाद भगवान जी राजा जी बहुत पूरी के राजा जी जो होते हैं वो नाराज हो गए बोले भगवान जी आप मेरे को सपना आदेश दिए और बोले मैं इधर पे हूँ मैं विद्यापति जी को भेजा आपका ढूंढने के लिए आप जब ढूंढने के बाद आप मैं आपका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ आप नहीं। इसलिए भगवान जी बोले ये जे बोले ठीक है तू चिंता मत कर मैं 3 लकड़ी होके जो समुद्र के लकड़ी समुद्र लहर का होगा तेरे पास उसको जगन्नाथ मूर्ति बनाना अभी के टाइम में जो कि और उसको मेरा मूर्ति बनाना। इसलिए गुंडीचा रानी ने तो ये बोला था उनको सपने में आया था। अच्छा। मैं आपको आऊंगा लकड़ी आया बहुत दीर थे लकड़ी वाले को जितने भी कारीगर आए वो बना नहीं पाए। मैं विश्वकर्मा ऊपर से आए विश्वकर्मा जो भगवान जी होते हैं वो ऊपर से आए बोले मेरे को 15 दिन तक के लिए खाना पानी जल वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो भगवान ने उनको खाना पाना जल क्यों दिया। तो गुंडीचा रानी ने बोला ठीक है ना 15 दिन तक द्वार मत खोलना। ठीक है 15 दिन तक द्वार नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे। उसके बाद 15 दिन तक द्वार नहीं खोले एक भी लकड़ी का आवाज नहीं आया। जब भी कारीगर काम करता है घर में काम करता है तो लकड़ी का आवाज आता है सब कुछ आवाज आता है उनको आवाज नहीं आया। बोले आवाज नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है ये खाया नहीं मर गया क्या उसके अंदर। उसके बाद बोले गुंडीचा रानी ने बोला वो बोले थे तुम पहले से यदि भगवान विश्वकर्मा ने बोले थे तुम 15 दिन के बाद पहले से द्वार खोल लोगे तो मैं आधा गड़ रह जाऊंगा मतलब आधा पैर रह जाऊंगा पैर नहीं होगा हाथ नहीं होगा। भगवान को बोले थे मेरा आधा काम रह जाएगा मैं 15 दिन का टाइम लेता हूँ 15 दिन के बाद आपको होना। ये गुंडीचा रानी ने 8वें दिन खोल लिया था और ये भगवान जी अभी देख रहे हो जितना आधा आधा हाथ नहीं है पैर नहीं बस ये भगवान का हाथ पैर नहीं है और ये भगवान जी। और फिर वो भी मेरे ख्याल से जब उन्होंने खोला था तो जो बनार था वो भी गायब हो गया था वो भी गायब हो गया तो भगवान है ना भगवान तो वो तो गायब ही हुए। तो फिर जब से मूर्ति ऐसी है कितने साल पुरानी बात होगी। ये तो बहुत साल पुरानी बात है ये कितना युग खत्म हो गया उसके बाद कितना युग चला रहा है अभी कल युग चल रहा है और उसको मंदिर में गुंडीचा मंदिर में भगवान जी विराजमान वो तीनों मूर्ति। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ पे पूजा होते थे और ब्रह्मा जी ने बोला ये पे जितने ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है आप तो उधर पे गुंडीचा घर में रह गए और इधर पे एक उनका नाम है नील जो हमारे मार्कंड मार्कंडेश्वर जो है मार्कंडेश्वर जो पोखरी है और उनका नाम
राजा इंद्रदुम्न था, इंद्रदुम्न राजा, इंद्रदुम्न राजा जब आए इधर पे और इस मंदिर को ढूंढ के निकाले थे, ये जगन्नाथ मंदिर का आप जो दर्शन किए उसको ढूंढ के निकाले थे, बोले ये प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए ऊपर चले गए, ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए देर तक करके, जब देर तक करके गए ब्रह्मा जी के पास तो बोले इधर पे चारों ही खत्म हो गया, कलयुग सत्ययुग द्वापरयुग खत्म हो गए, कलयुग मतलब सत्ययुग स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम में जैसे आपके टाइम में जैसे पुराने टाइम में किसका प्रॉपर्टी किसके साथ था, उस टाइम में क्या हुआ ना, एक गाल माधव जी थे, गाल माधव जी ने बोला ये मेरा प्रॉपर्टी है मंदिर, उसमें उस टाइम में हड़प लिए थे गाल माधव जी, उसमें उस टाइम में हड़प लिए थे क्यों ना, ये मेरा मंदिर है आप नहीं ले सकते। भगवान इंद्रदुम्न महाराज ने बोला ये क्या है, मेरा मंदिर है आप बोल रहे हो, मैं तो भगवान जी ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गया था मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए, और तो ब्राह्मण नहीं है ना, नीचे वाले कलयुग में ब्राह्मण नहीं है, सही बात, सत्ययुग में ब्राह्मण नहीं है, और ब्रह्मा जी आएंगे तो प्रतिष्ठा करेंगे, ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए बुला के आने के बाद बोले नहीं गाला बादल नहीं, बोले तेरा मंदिर नहीं है तो झूठ बोल रहा है, ये बात साबित करने के लिए भगवान जी फिर से भगवान गाला माधव जी ने बोले तुम बुला के लाओ तुम्हारे कोई मतलब जो आज के टाइम में होता है आपके सपोर्टर होते हैं, तुम्हारे सपोर्टर को बुला के लाओ नहीं तो प्रमाण पत्र लाओ आपका मंदिर में, और इंद्रदुम्न महाराज ऊपर गए, फिर से ऊपर गए ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, ब्रह्मा जी ये देखो ध्यान से किए, बोले भगवान जी ब्रह्मा जी ये बोल रहे मेरे मंदिर है, हमारे जगन्नाथ को कहते हैं किससे वहाँ से किस तरह लाऊँ, और आप एक काम करो, ब्रह्मा जी बोले हो ठीक है मैं एक रूप में चला जाता हूँ, एक रूप में बदल के जाता हूँ, एक रूप में आए बोले जो कोयली वैकुंठ है और एक कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष आप जब आए दर्शन करने के टाइम जो वृक्ष था ना वो कल्पवृक्ष है, वहाँ पे भगवान जी आए बोले ये देखो कल्पवृक्ष में एक कौवा था, तो कौवा बात कर रहा था, और इंद्रदुम्न महाराज पोखरी एक है उधर पे जो इतने चारे मंदिर को जितने भी कारीगर ने बनाया वो कछुआ हो चुके, कछुआ वो कारीगर कछुए बन गए, कछुआ बन गए पत्थर भोग के, अच्छा पत्थर मतलब उठा उठा के कछुआ बन गए, इसलिए जब इंद्रदुम्न महाराज ने बोले बोले मंदिर का नहीं बनाना है मेरे को, मेरे को कछुआ नहीं बनना है, इंद्रदुम्न महाराज ने बोला ठीक है कछुआ बोलो ये किसका मंदिर, ना इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया था यहाँ पे जगन्नाथ प्रतिष्ठा करने के लिए, कछुआ बात कर रहा है गाला माधव देख रहे हैं बोल रहे हैं कछुआ बात कर रहा है कैसे, आज के डेट में कछुआ कैसे बात कर रहा है, मनुष्य तो बात कर रहा है कछुआ कैसे बात कर रहा है, और कछुआ ने बात कही बोला कि आज के डेट में तुझे गाला माधव बुलाए थे, गाला माधव को बोले बोले कछुआ बात कर रहा है ये तांत्रिक के साथ आया है, तांत्रिक को लेकर आया है, और कौवा के पास गए, कौवा भी बोल रहा है ये इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया था इस मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवान ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गया था, और आप यहाँ पेड़ बोले ना, कौवा बोलो ये पेड़ कितने साल तक है, ना ये पेड़ कलयुग खत्म हो जाएगा, जितना कलयुग होता है उतना खत्म हो जाएगा, पेड़ मरेगा नहीं कभी, जितना तूफान आ जाए जितना भी कुछ भी आ जाए दिक्कत आ जाए वो पेड़ हिलेगा नहीं, एक उसका एक भी हिस्सा कटेगा नहीं मरेगा नहीं, वो पेड़ को ऐसा वरदान मिला, और भगवान जी बोले ठीक है, गाला माधव ने बोला तुम जिसके साथ आए वो झूठ बोल रहा है, तेरे सपोर्टर नहीं है वो क्रांति वगैरह है, गाला माधव को अभिशाप दिए थे भगवान ब्रह्मा जी ने, अभिशाप दिए तुम आज के डेट से तुम पूजा नहीं पा पाओगे, तुमको कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, तुलसी नहीं चढ़ाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं देगा, इनको अभिशाप ऐसा दिया तुम्हारा छवि रहेगा, तुमको कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए भगवान देखे कि बोले ब्रह्मा जी आगे स्वयं ब्रह्मा जी हमारे साथ हैं, इसलिए प्रणाम किए भगवान जी को, प्रणाम किए ब्रह्मा जी को, प्रणाम किए, उसके बाद वो जगन्नाथ को रथ यात्रा में लेके आते हैं, एक साल में एक बार होता है यात्रा, और रथ यात्रा से पहले जो स्थान मंडप होता है भगवान 108 पानी से लेना था, उनको बुखार हो जाता है, कितने दिन रहता है बुखार 15 दिन तक रहता है, उनको औषध खिलाना और उनको तेल लगाना, पैर हाथ चिपना दबाना, उनका सब सेवा रहता है उसके अंदर, उस 15 दिन तक आपको मंदिर के अंदर दर्शन नहीं मिलता है, उनका पति रूप एक छवि रहता है उनका दर्शन मिलता है, क्योंकि भगवान बुखार में जैसे घर में होते छोटे छोटे बेटे को बुखार हो जाता है, जब मम्मी जी बोलते नहीं तू उसके पास नहीं जाओ, उसके पास बुखार तेरे को बुखार चढ़ सकता है, इसलिए भगवान भी ऐसे, भगवान ने बोल रहे तू मेरे पास मेरे को नहीं देख, मेरे पति रूप को देख, मेरे छवि को देख, तू बुखार में नहीं पड़े, भगवान जी किसी का बुरा नहीं है, सब सबके लिए भलाई चाहते हैं, इसलिए 15 दिन तक भगवान जी बुखार में पड़ते रहते हैं, और 15 दिन के अंदर उनके घर जो 15 दिन के अंदर उनका सेवा होता है, जैसे भगवान जी हर टाइम में फल वगैरह चावल वगैरह खाना खाते हैं, 7 आइटम खाते हैं, 7 प्रकार का भोग खाते हैं, 7 टाइम में खाते हैं, अच्छा 7 टाइम में खाते हैं, 7 प्रकार का भोग 7 टाइम में, मतलब 7 बार खाते, 7 बार
और उसके बाद सात टाइम खाने के बाद क्या होता है ना, उस टाइम में खाना बंद होता है, उनको चढ़ाया जाता है दूध मलाई छेना जैसे राबड़ी मक्खन ये वाला चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन होता है विटामिन होता है, उनको विटामिन मिलता है और शरीर शरीर सुस्त होकर बोलते जगन्नाथ को, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आते हैं देखो मैं आ गया आपके लिए सबके लिए आ गया, मैं अभी के लिए मैं आपको दर्शन करने के लिए आ गया। तो ये स्टोरी है। अच्छा मैंने सुना है कि जो रथ खींचते हैं अगर भगवान की मर्जी होगी तभी ये रथ आगे जाएगा, सच है, क्योंकि वो रथ के ऊपर जो पंडित जी होते हैं जो हॉर्स होता है भगवान जी का, बलभद्र जी का रथ का हर्ष होता है काला वाला, और सुभद्रा माता का होता है हरा वाला, हाँ नहीं हरा वाला नहीं वो मिट्टी कलर वाला, अच्छा अच्छा पीला सा नहीं मिट्टी कलर, अच्छा अच्छा मिट्टी कलर मुल्तानी मिट्टी नहीं मिट्टी कलर वो क्या है ब्राउन ब्राउन ब्राउन, और उसके बाद व्हाइट कलर वाला रहता है जगन्नाथ का घोड़ा का रथ रहता है व्हाइट कलर का, अच्छा क्योंकि जगन्नाथ काला है उनका घोड़ा काला नहीं, सही बात है समझिए अच्छी बात है, और बलभद्र जी बहुत गोरा है उनका घोड़ा ही काला है, भगवान ने बोला है मेरे साथ सब समान है कोई काला नहीं कोई गोरा नहीं कोई भूरा है, जगन्नाथ रथ का तीन रथ का नाम होता है, एक का नाम है तालदोष, एक का है नंदीधरन, एक है देवदत्त, ये तीन रथ का नाम होता है, ये तीन रथ में जितना पहिया होता है एक में रहता है 12, एक रहता है 16, एक रहता है 14, अच्छा 2-2-2 में से कट गया है, मतलब बलराम जी का 14 है, सुभद्रा माता का 12 है, जगन्नाथ का 16 है, अच्छा। और जगन्नाथ रथ को सबसे अच्छा नाम दिया जाता है वो होता है नंदीघोष, अच्छा नंदीघोष, और ये जाते हैं मतलब गुंडीचा घर, गुंडीचा घर क्योंकि वो जन्मस्थान है उनका, कर्मस्थान जन्मस्थान कैसे हो? ये जन्मस्थान है और कर्मस्थान है, मतलब जो कृष्ण जी का द्वापर युग में आप देख रहे थे कृष्ण जी कंस युग में जन्म हुए थे, द्वापर युग में भगवान जी कृष्ण जन्म हुए थे, जन्म हुए थे उस टाइम से भगवान जी जेल में जन्म हुए थे, देखांड में जन्म मथुरा में, और उसको लेके गए थे उनके पिताजी अलग अलग लोग के लिए, क्योंकि कंस मार देता वो पानी से यमुना जी से मार करके लेके गए थे, गए थे जब मार लेता था उस भगवान ने बोला, भगवान जी जानते थे ये मेरा माता पिता जी ओरिजिनल, अच्छा और मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो मेरा माता पिता जी है ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं कोई ओरिजिनल नहीं, इनने कर्म किया है मतलब उनको पाला है पोसा है सब कुछ किया है, कृष्ण को बड़ा किया है माखन खिलाया है सब कुछ किया है, अच्छा ये यहाँ पे जन्म हुए थे इसलिए ये जन्म स्थान है और कर्म स्थान है, तो छोड़ के मतलब टोकरी में रख के गुंडीचा माता को देके गए थे, अच्छा तो इन्होंने पाला, अच्छा तो ये माता से मिलने आते, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान जी कुछ श्रद्धालुओं से मिलने आते हैं बाहर, तो कितने दिन की यात्रा होने वाली है ये? आपका 9 दिन की यात्रा है, और आने के बाद एक रहता है उनका सोना रेत रहता है, सोनार का सिंघार रहता है उनका, मतलब दुनिया में ब्रह्मांड में जितना सोना ला दोगे तो उनके पास कम, वो सोना का वेश रहता है, इतना सोना चढ़ता है जनता है भगवान जी को, वो सोना वेश बोला जाता है, और उसके बाद एक अधर पना होता है दूध वाला एक पना होता है, उसको क्या ना जैसे शरबत होता है दूध वाला शरबत वो भगवान को खिला दे, क्योंकि जितने भी साल में भगवान ने प्रसाद खाया है जो जितने भी बुरा आत्मा उनको आनाते हैं बोलो बोलो भगवान जी पोता थोड़ा सा खिला वो खिलाते नहीं है, भगवान जी बोलते ले जा खा ले उनको, उनके ऊपर जैसे दृष्टि वगैरह पड़ जाता है, जैसे घर में बोलते हैं खाने के टाइम में द्वार बंद कर लेते हैं कोई नहीं आने के लिए, मैं बेटा खाने के बाद कोई आएगा, इसलिए भगवान जी क्या करते हैं ना वो दूध पीने के बाद उसको डाल लेते हैं नीचे, जितने भी भूत पिता जितने भी लोग होते हैं वो उसको पाते हैं, ये अधरपना रहता है, और दूसरे दिन होता है नीलाद्री विजय, नीलाद्री विजय क्या होता है ना लक्ष्मी माता के साथ शादी को करें रिपुन भी विवाह, ये रथ यात्रा से पहले पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है स्नान पूर्णिमा, ये पड़ता है मिनिमम आपके जून जुलाई में महीने में पड़ता है, उस टाइम में चंदन यात्रा होता है भगवान का, चंदन यात्रा होता है 42 दिन तक चंदन भगवान की छाती में लगाएंगे, आप घर में गर्म टाइम में एसी लगा के सोते हैं उसका ही चंदन चंदन, और उस टाइम से 42 दिन तक उनका चंदन लगी होगा, और उस टाइम में एक महीने में एक दो दिन तीन दिन चंदन का असर, 2 दिन 42 दिन के 2 दिन 3 दिन के आप में एक रुक्मणी विवाह होता है, अच्छा रुक्मणी शादी होता है, रुक्मणी शादी जैसे हमारा जैसे रुक्मणी शादी जैसे आपने सुना होगा जैसे अर्जुन को बोले थे चिट्ठिया पत्र प्रेम पत्र दिए थे भगवान की, यहाँ पे ऐसा ही होता है जैसा स्टोरी है ऐसा ही, और इसमें क्या होता है ना एक फोर्थ नाइट में हमारा एक यज्ञ रहता है भगवान जी का, यज्ञ करते हैं एक रूम में बैठ के और यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद भगवान जी बोलते हैं माता लक्ष्मी जी को बोलते हैं बोलते तू किधर चला गया, तुम किधर चले गए हो, ना मेरे को बुखार हो गया था ना तुम बहन को लेके जा रहे हो तो भैया को लेके जा रहे हो और सबको लेके जा रहे हो, मेरे को रथ यात्रा में नहीं लेके जा रहे हो, तुम आओ तुम्हारा हालत धर्मपत्नी ना नया नया शादी की और फिर उनको छोड़ के चले जा रहे हो तो बुरा तो लगेगा, इसलिए जगन्नाथ भगवान क्या करते हैं ना वो ठीक है
चले जाते हैं और लक्ष्मी माता गुस्सा होकर रहते हैं। हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी माता जाती है उनका रथ को तोड़ने के लिए। अच्छा, गुस्सा होकर इतना से जाते हैं, उसको हेरा पंचमी बोला जाता है। अच्छा, वो तोड़ते हैं फिर जाके, लक्ष्मी माता तोड़ते हैं। उधर पे जाके विद्यापति जी की आरती करेंगे, भोग लगेगा उनको। और भगवान जी का भोग के टाइम में लक्ष्मी माता जाते हैं, भगवान ठीक है कि नहीं, मेरा धर्मपति ठीक है कि नहीं, धर्म स्वामी ठीक है कि नहीं, ठीक है ठीक है, और ठीक है उनसे आज्ञा माला लेकर आ जाते हैं, भगवान से आज्ञा माला लेकर आ जाते हैं, उनके गले में डाला जाता है। ये सब काम विद्यापति जी करते हैं जो तीन माधव को दर्शन किया थे। कब होता है? हेरा पंचमी अभी अभी रथ यात्रा में होगा, ये रथ तोड़ेंगे लक्ष्मी माता जी। कौन से दिन तोड़ेंगे? पंचम के दिन का, पंचम मतलब नौ दिन में, पांच दिन में गैप में तोड़ेंगे भगवान जी। 11 या 12 को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे 12 को तोड़ेंगे, हेरा पंचमी बोला जाता है उसको। अच्छा, तो रथ तोड़ते तोड़ने के बाद और तोड़ देते हैं और जगन्नाथ जब भगवान जी आते हैं लौट गुंडीचा मंदिर से वापस लौट के इस मंदिर में जब आते हैं तब रास्ते में बाहुड़ा यात्रा बोला जाता है। अच्छा, बाहुड़ा यात्रा बोला जाता है। बाहुड़ा यात्रा जब आते हैं बोलते हैं लक्ष्मी माता फिर से, एक राजा का घर है इधर पे, जो लिखा हुआ है ग्रैंड सेंटर लिखा हुआ है वहाँ पे राजा का घर है। अच्छा, वहाँ पे राजा के घर में जगन्नाथ भगवान जी रह जाएंगे। लक्ष्मी दूर से आएंगे, आए कि नहीं आए, भगवान नहीं आए, मेरे प्यारे लोग आए, नहीं मेरे पति आए, वो देखते हैं आए तो आए। आने के बाद वो लक्ष्मी जी आते हैं, रथ गया, तुम आए, तुम आओ, तुम्हारे फेर नहीं, उसको गुस्सा करके आते हैं। जब भगवान जी नीलाद्री विजय होते हैं, बहन भाई चले जाते हैं मंदिर के अंदर, घुस जाते हैं नीलाद्री विजय इस मंदिर में। घुसने के बाद जगन्नाथ को द्वार पड़ जाता है, बोलता तुमको नहीं नो एंट्री मंदिर के अंदर, तुमने मेरे को छोड़ के गया। और भगवान जी गुस्सा नहीं होने के लिए बताते, गुस्सा मत हो, पहले बड़े भैया गए मैं तेरे को किसे लेके जाऊँ, क्योंकि हमारे इधर पे बड़े भैया के पास छोटे भैया जो होते हैं, छोटे भैया के धर्मपत्नी बड़े भैया को देखते नहीं, देखते नहीं, घूंघट मार के रहती है हमारे यूपी में भी। हाँ, इसी तरह इसमें होता है, बोले बड़े भैया के ठीक कोई नहीं, तो रसगुल्ला खा ले, रसगुल्ला उस टाइम में रसगुल्ला फेवरेट होता है भगवान जी, रसगुल्ला खिला के भगवान जी का माता रानी का शांत करके, गुस्सा शांत करके भगवान जी विराजमान होते हैं। और भगवान जी उस महीने के आने के बाद भगवान जी सो जाते हैं, एक महीना पहले के लिए उस टाइम में शादी वगैरह कुछ नहीं हुआ। उस महीने में आप यूपी में डेल लो कि उड़ीसा में डेल लो, ऑल ओवर इंडिया कहीं शादी कुछ नहीं, सब शांति रहती है, क्योंकि उसमें जो पांची में लिखा जाता है आपके साथी में लिखा जाता है इस डेट में होगा, इस डेट में होगा, वो डेट नहीं पड़ेगा, साया नहीं पड़ता। हाँ, जिसे साया कहते हैं वो पड़ता नहीं। फिर एक्टिव कब से होते हैं भगवान जी? भगवान जी एक्टिव हो जाते हैं एक महीने, मतलब एक महीने सोते सितंबर, अगस्त सितंबर में हो जाते हैं, अगस्त में सोएंगे, मतलब जून में सो जाएंगे, जून 20 में सो जाएंगे, सितंबर की अगस्त में, अगस्त एंड में मान लो छोड़ जाएंगे। फिर साया धड़ाधड़ शादी होती है, बच्चे होते हैं धूम धड़ाके से। ये थी भाई कहानी। अब कल और परसों कोशिश करेंगे पंडित जी के साथ जगन्नाथ यात्रा आपको दिखा पाए, और पंडित जी आप रजत रहने वाले हो? हाँ, कुछ बढ़िया सब बनवा सकते हो तो ठीक है, आप रजत रहे, आपके पास गोप्रो है ना? हाँ, गोप्रो लेके चले जाना। अच्छा, भीड़ में कैमरा भी? हाँ, मैं गोप्रो या मोबाइल से बना लूंगा। बना लोगे, रात को रस्सी को खींचोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको जितने भी आपके मतलब जितने भी मनोकामना है उनको मांग लेना, उस टाइम पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती पूरी। अच्छा, और एक चीज और पूछूंगा, जैसे मंदिर के ऊपर जो झंडा है वो बना हुआ है, तो कहते हैं वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन जाता है, ऐसा कुछ है? हवा उनका है, ये बस जल उनका है, भूमि उनका है, मिट्टी उनका है, गाड़ी उनका है, शरीर उनका है, सब हर चीज जन्म किया उनका है, उनके मजे से सब कुछ होगा। बोलते हैं हवा के विपरीत साइड में क्यों उड़ता है ना, हवा के डायरेक्शन में नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा एक होता है नियम, पहले से आ चुका है, पहले से ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। और बोल रहे हैं मंदिर का छाया नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे इधर पे छाया को अशुभ बोला जाता है, तो मंदिर की छाया ही नहीं है? नहीं, आप देखो जिस साइड में देखो मंदिर का छाया ही नहीं है, आपने नोटिस करी ये चीज? हाँ, मंदिर का छाया नहीं है। अच्छा भाई यार, ये तो फिर मैं कल परसों जब जाऊंगा ये मैं भी ऑब्जर्व करूंगा, ये तो बहुत अच्छी चीज बताया उन्होंने। तो ये था, और रथ यात्रा में पंडित जी को मिलाएंगे। आप कहाँ ऊपर रहोगे, नीचे कहाँ पे? मैं तो नरसिंह भगवान के पास रहूंगा, जिस मंदिर में बैठा था। हाँ, अभी राष्ट्रपति आने वाले हैं, है? राष्ट्रपति आने वाले हैं 7 तारीख को, 7 तारीख को आएंगे, 7 तारीख को आएंगे, और कर्फ्यू लग जाएगा 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए कर्फ्यू लग जाएगा। और उस दिन रथ यात्रा है, उस दिन भगवान का दर्शन एक होता है, नवजमन दर्शन होता है, उस दिन अंदर दर्शन देते हैं, क्योंकि इस महीने में वो दोनों एक तारीख में पड़ेगी। अच्छा, दोनों एक ही चीज में पड़ेगा, तो मतलब आधा आधा रथ खींचा जाएगा, आधा आधा जगह रह जाएगा, और सुबह को फिर से खींचा जाएगा, गुंडीचा मंदिर से खींचा जाएगा। तो मोदी जी आएंगे सुबह, आएंगे शाम को? मोदी नहीं आएंगे, राष्ट्रपति जी आएंगे, और हमारे इधर पे सीएम जो है आएंगे उड़ीसा के। तो यात्रा कितने बजे से? यात्रा तो 4 बजे तो भगवान की विराजमान हो जाएंगे रात में, 7 तारीख को सुबह 4 बजे, और
सॉरी 2 बजे नहीं नहीं सुबह सुबह 2 बजे पौंडी होगा, 2 बजे पौंडी होगा, 4 बजे आ जाएंगे भगवान खींच के लेके चले आएंगे, 7-8 बजे आधा आधा रह जाएंगे भगवान, क्योंकि रात को खींचा नहीं जाता। तो मतलब सुबह 5-6 बजे से ही काम चालू हो जाएगा? नहीं, सुबह 5-6 बजे उनका प्रसाद खाने का जैसे उनका नीति है वो होता रहेगा, और उस टाइम में क्या होगा ना थोड़ा सा गैप दे देंगे और 2 बजे पहुंडी करेंगे। पहुंडी का मतलब भगवान तो लेके आते हैं, इतना बड़ा मूर्ति है लेके आने का इम्पॉसिबल। रात को 2 बजे? नहीं नहीं सुबह 2 बजे मतलब, हाँ जब रात हो रही होगी। नहीं 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 सुबह, दिन में 2 बजे। अच्छा दिन में 2 बजे, दोपहर में, समझ गया। 2 बजे पहुंडी होगा, 5-6 बजे रास्ता ना जाए। अच्छा दिन में 2 बजे, समझ गया। तो गाइज ये है 7 तारीख के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ, पंडित जी से ही मिलेंगे और दिखाते हैं रथ यात्रा। बाकी थैंक यू पंडित जी, आपने पूरा ज्ञान दिया गौरव जोन आर्मी को, तो थैंक यू, एक बारी कमेंट में बोल देना पंडित जी को। अभी गाइज ये पंडित जी ने एक कपड़ा दिया था मेरे को, ये मेरे गले में बांधा, तो पंडित जी को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा इस चीज के लिए। इसकी क्या महत्व आप एक बारी लोगों को बताओ। भगवान जी 15 साल तक ये भगवान जी उनके शरीर के अंदर रहता है, और बहुत और निकाला जाते हैं स्नान पूर्णिमा के दिन, एक साल में एक बार निकाला जाता है, क्योंकि एक साल के अंदर तक छाती में रहता है। और ये लगाने से जितना भी मतलब जो भी काम करो ना, सब सक्सेसफुल। क्या बात है गाइस, अब मैं इसको पहन के रखूंगा, कभी नहीं उतारने वाला, आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी लिख लो 4 पॉइंट आपका 4.8 मिलियन है, 10 मिलियन 10 मिलियन। क्या बात है भाई, पंडित जी ने बोल दिया तो जगन्नाथ जी के होगा। ठीक है पंडित जी, कल मिलते हैं 12 बजे। ओके, ये था 5 जुलाई का सीन, और कल है 6 जुलाई। कल मैं आपको दिखाऊंगा भाई रथ कैसे कैसे तैयार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और 7 तारीख को अपन रस्सा खींचेंगे। तो भाई ब्लॉग में जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।